शहर के लालबाग ब्रिज के नीचे फुलमाली महिला पर नवापुरा पुलिस द्वारा बिना कोई वजह से लकड़ी से मार लगाने की और थप्पड़ लगाने की, साथ ही कपड़े फाड़कर हमला करने के गंभीर आरोप लगाते हुए फुलमाली महिला ने भारी हल्ला मचाया था। मिली जानकारी के आधार पर शहर के लालबाग ब्रिज के नीचे फूल बेचने का व्यापार करती और परिवार का गुजरान चलाती वैसी महिला ने नवापुरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए भारी हलचल मची है, जिसमें लालबाग ब्रिज के नीचे महिला फूल का व्यापार करते हुए परिवार का गुजरान चलाती है। दौरान आज नवापुरा पुलिस स्टेशन से पटेल साहब द्वारा महिला पर बिना कोई वजह से लकड़ी से हमला करने की, कपड़े फाड़कर थप्पड़ लगाने की, मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाते हुए आज फूल वाली महिला ने भारी हंगामा और हल्ला मचाया था, जिसमें महिला का कहना था कि नवापुरा पुलिस स्टेशन से पीआई पटेल साहब द्वारा उसे कोई भी वजह के बिना ही गंभीर मार लगाया गया, तो वहीं उसे उसके द्वारा उसका गुनाह और वजह पूछने पर नवापुरा पुलिस द्वारा कोई भी कारण नहीं बताते हुए उसकी भारी धुलाई की गई, जहां नवापुरा पुलिस के पास कोई भी महिला पुलिस कर्मचारी मौजूद नहीं थे, जहां पुरुष पुलिस कर्मचारी द्वारा फूल वाली महिला वैसी तुलसी बेन पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाते हुए आज वे अपने बच्चे के साथ रावपुरा पुलिस थाने आ पहुंची थी, जहां रावपुरा पुलिस स्टेशन के बाहर भारी हल्ला और हंगामा मचाते हुए महिला ने अपने परिवार के साथ नवापुरा पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करने की मांग की थी, जहां तुलसी बेन का कहना था कि वो 2 महीने पेट से है, साथ ही उसकी भाभी जो 5 महीने से पेट से है उस पर भी पूरा पुलिस द्वारा मारपीट कर हमला किया गया, जहां गंभीर आरोप लगाते हुए बाद पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर कार्यवाही जारी की थी। नाम પૂછી રહ્યો કે શું કારણ છે મે પૂછ્યું કે કે તો ગુનો હોય તો તમે મેલા પોલીસ બોલે ને મને માના કપડા ઉધી ભી પાર દીતા જો સાહેબ કે ન હતી 5-7 જણતા બે ગાડી હતી પટેલ સાહેબ છે મારે લખાવ છે તમે બે આઈ કરો તમે કડુ કાપીન મંદિર મારી છોકરી જોરે સાહેબ મારા આગળ પાછળ ભી કોઈ નથી શું કારણ શું હતું પણ ગુનો મારે ગુનો નહીં બતાવ તમે પૂછો ભી કરી કે કયા ગુનો મારી તો બતાવ તો નહીં ગુનો શું નામ પટેલ સાહેબ સસ્પેન્ડ કરો મે પૂછી લે કોઈ બોલ ના કોઈ બોલ ના